गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफाई पीजे। मैं हूं पूजा। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप अपनी स्किन का खोया हुआ कलर है वो कैसे वापस पा सकती है। दोस्तों, वैसे तो आप मार्केट की महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करके अपनी स्किन का नेचुरल कलर वापस पा सकती है, पर हर कोई महंगी महंगी क्रीमें नहीं खरीद सकता है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्केट जाना है। मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर में जाना है और वहां से आपको ले लेनी है विटामिन ई की कैप्सूल। दोस्तों, मैंने यहाँ विटामिन ई की कैप्सूल ले ली है और ये ज्यादा महंगी नहीं है। ये सिर्फ 29 रुपीस में आपको मिल जाएगी और इसमें 10 टेबलेट है जो आपके एक महीने चल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। विटामिन ई कैप्सूल जो होती है वो हमारे चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आप अपनी कोई भी क्रीम उठा लीजिए, फेस वॉश उठा लीजिए, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करती है आप उसे देख लीजिए, उसमें हर किसी में विटामिन ई हमेशा मिला ही होता है, क्योंकि ये हमारे चेहरे के बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन का जो सनटैन है उसे रिमूव करता है, कील मुहासे दूर करता है और जो दाग धब्बे है उसे भी दूर करता है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की कोई जरूरत नहीं है और ना ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। आपको सिर्फ 30 रुपए में अपनी स्किन की आप अगर केयर करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी स्किन की केयर करने का। तो चलिए, वीडियो ज्यादा ना लंबा करते हुए हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल कर लेना है। तो फ्रेंड, विटामिन ई कैप्सूल इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मैं यहाँ रोज वाटर से अपना चेहरा क्लीन कर रही हूँ। आपके पास कोई टोनर है, आपके पास कोई टोनर नहीं है, रोज वाटर भी नहीं है, तो आप मिल्क से अपना चेहरा अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि मिल्क जो होता है वो बहुत अच्छा क्लींसिंग का काम करता है। तो यहाँ मैं रोज वाटर से अपना चेहरा अच्छे से क्लीन कर लूंगी। हम अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हमें अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्किन को अपनी क्लियर नहीं करेंगे तो हमारी स्किन में जो भी मेकअप होगा, धूल मिट्टी होगी, उससे अगर हम उसके ऊपर ही अपनी कोई भी क्रीम या कोई भी पैक इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे चेहरे पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अपने चेहरे को क्लीन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ अपनी स्किन को क्लियर कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है मेरे चेहरे पे। तो मैंने यहाँ अच्छे से अपनी स्किन को क्लियर कर लिया है। तो अब हमें विटामिन ई कैप्सूल इस्तेमाल करनी है। तो मैंने यहाँ विटामिन ई कैप्सूल ले ली है। अब मैं इसे सुई से इसके अंदर का जो सीरम है वो निकाल लूंगी। एक कैप्सूल काफी है आपके फेस के लिए। आप इसे आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल करिए। और 2 मिनट तक अपने चेहरे पे मसाज करिए। अगर आपके आंखों के चारों ओर काले घेरे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके काले घेरे को मिटाने के लिए। तो 2 मिनट मसाज करने के बाद आप 15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर अपना चेहरा वॉश कर लीजिए। सो फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। इससे आपके चेहरे में बहुत अच्छा ग्लो आएगा, बहुत अच्छा निखार आएगा, ये आपकी स्किन को एकदम क्लियर कर देगा। और आप इसे, आपको अगर ज्यादा फायदा चाहिए तो आप इसे रात को सोते समय इस्तेमाल करिएगा। आप इसे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको लेके अपने चेहरे पे 2 मिनट मसाज कर देनी है, उसके बाद छोड़ देना है। सुबह जब आप उठते हो तो आप अपने कोई भी फेस वॉश से या DIY फेस वॉश से, आप जो भी फेस वॉश इस्तेमाल करते हो उससे अपने फेस को वॉश कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करिएगा, इससे कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप इसे सुबह के टाइम इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इस्तेमाल करने के बाद 15 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी क्रीम या टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। आप इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किसी भी एज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप चाहे तो आप इसे खा भी सकते हो, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।